पूर्णिया के बायसी प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायत में अभी भी लगातार परमान, महानंदा, कनकी आदि नदी का कहर जारी है। इन नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण नदी में तेजी से कटाव हो रहा है और नदी का पानी गांव में तेजी से फैल रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी भयभीत है। वहीं जब इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को मिली थी, आनन फानन में क्षेत्र संख्या 33 के जिला पार्षद प्रतिनिधि तारिक अनवर उर्फ परवेज नाज, क्षेत्र संख्या 34 के जिला पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद मुख्तार आलम एवं विधायक प्रतिनिधि अब्दुल राजिक अपने टीम के साथ और साथ में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग आदि के साथ सबसे पहले हरिन तोर पंचायत के माला गांव में हो रहे नदी कटाव का निरीक्षण किया। फिर वहां से पुराना गंज पंचायत के भिगनपुर गांव पहुंचे, जहां नदी का कटाव तेजी गति से हो रहा, वहां का भी बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोग नदी कटाव से काफ़ी आक्रोशित नजर आए। इसका मुख्य कारण था कि तीन गांव सोनारपुर, भिगनपुर और पुराना गंज संयुक्त एक बड़ा कब्रिस्तान नदी के आगोश के सामने के कगार पे है। ग्रामीणों ने बताया कि जनप्रतिनिधि काफ़ी समय से आश्वासन दे रहे हैं, मगर धरातल पर अब तक कुछ काम नहीं हुआ है। अगर कुछ दिन और इस प्रकार नदी कटाव जारी रहा तो एक बड़ा सा कब्रिस्तान नदी में विलीन हो जाएगा, जिसमें हमारे पूर्वज वर्षों से लेटे हुए हैं। सभी ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से जल्द कटाव रोधक कार्य शुरू करने की अपील की है। आपके पंचायत में जो है नदी कटाव की स्थिति काफ़ी कगार पर है और यहाँ पे है, कुछ ही दिनों में अगर कटान जारी रहे तो एक बड़ी सी कब्रिस्तान नदी में समा जाएंगे। आप आज जो है जलीय जो भी आए हैं जनप्रतिनिधि हैं और उसके बाद सरकारी कर्मचारी हैं, उसको देख करके आपको क्या आश्वासन मिला आप लोगों को और क्या बताना चाहते हैं? नहीं, हम लोग तो जितने भी प्रयास किए अब तक तो हम लोगों को कोई फल नहीं मिला, मगर इधर जो प्रयास किए तो लोग जो प्रतिनिधि है, बाकी हमारे विधायक जी टीम को भेजे हैं और प्रशासन के भी लोग आए इसको देखने के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि शायद यह काम हो जाना चाहिए। कितने दिनों से कटान चल रही है? ये कटान तो साल भर से चल रहा है, मगर दूर में था। अब जो है मेन सड़क के नज़दीक आ गया, बगल में बड़ा कब्रिस्तान है जो पूरे पंचायत का ये कब्रिस्तान है और बहुत पुरानी कब्रिस्तान है, उसको बचाना ज़रूरी है, इसलिए कि यहाँ से भी आबादात इसी इसमें कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। बाकी हमारे जो ये गांव है भिगनपुर, बहुत ही मैंने गरीब है और इसके अलावा जो है इसको कोई ऐसा जगह नहीं है कि इसको यहाँ से जो है भाग करके दूसरे के इसमें जाए। अगर तावर तोर इसकी काम नहीं होती, यहाँ के रोकथाम की काम नहीं होती, तो कब्रिस्तान की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, ये बहुत बुरा हालत पर आ गया है और इसको जो बचाना बहुत ही ज़रूरी है। माननीय विधायक जी से कहें, जो जनप्रतिनिधि अभी आए हैं यहाँ पे, उनके तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया जाए? आश्वासन तो अब ये देखें कि कुछ एक्शन में होना चाहिए। उस वक्त बारिश का टाइम था, सैलाब का टाइम था, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा था। अब वो सब तो ख़त्म हो गया है। अब उम्मीद करते हैं कि ये जो है विभाग वाला हमारा यहाँ काम करने का मौका मिला है, वो करेंगे। कौन सी पंचायत है? कौन सी पंचायत? पंचायत प्राणगंज। वार्ड नंबर 5। अपना परिचय? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जबी हसन, प्रेजेंट मुखिया ग्राम पंचायत प्राणगंज का। ठीक। यहाँ की स्थिति जो है नदी कटाव की काफ़ी दयनीय है और लोग यहाँ पे काफ़ी आक्रोशित है। आज अब इसका सर्वेक्षण के लिए आए, सर्वेक्षण के दौरान आपको क्या मिला देखने को और क्या उम्मीद लगाए आपसे लोगों को? ये हम जो है माननीय जिला पार्षद मुख्तार साहब परवेज भाई के साथ आज स्थल निरीक्षण किए हैं। इनके क्षेत्र में हम लोग गए, माला सकरवलिया पथ में गए, वहाँ जो है परमान नदी से रोड के किनारे कटिंग हो रहा है। यहाँ फिर आए जिला पार्षद संख्या 34 में, यहाँ भी देखे, यहाँ जो है महानदी प्लस यहाँ कनकई का जो दोनों नदी का डिस्चार्ज है मिल जाने से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज यहाँ प्रवाहित हो रहा है, जिससे नदी का जो है कुछ देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में कुछ चेंज होने की वजह से इस गांव को कटान झेलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कटान है। वहाँ भी गए, पूरा मट्टी का धसान पूरा गिर रहा है। यहाँ कब्रिस्तान है, उसके आगे जो है उस पथ में बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी हम देखे। ये सब जो है इस दोनों नदी के डिस्चार्ज मिल जाने की वजह से कटने के कगार पर जा रहा है और हमारा भी पथ
PMGSY से बना हुआ है, अभी इसका MR में टेंडर हुआ है, इसमें भी हम लोग काम लगाएंगे। लोग आपसे कितना उम्मीद करे इस कार्य के लिए? हम तो ग्रामीण कार्य विभाग के कागपालक अभियंता है, हम अपने पद का बचाव करेंगे और साथ ही हम फ्लड के स्कूटियाँ और फ्लड के विभाग को भी इसकी इतला अपने स्तर से देंगे कि हमने क्या देखा और क्या करना है, इसका सलाह हम देंगे। मेरे स्तर से जो भी कार्य कराया जाना है कार्य कराएंगे, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं। कटान से लोग यहाँ के काफ़ी भयभीत हैं, आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? स्थिति तो है, इसको तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत जो योजना सैंक्शन होगी उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम रामू प्रसाद हुआ, कार्यपालक है। भिगनपुर एरिया में आप भ्रमण करने के लिए, यहाँ कटान का काफ़ी स्थिति खराब है, क्या आश्वासन दे रहे हैं यहाँ के क्षेत्र? देखिए, हम पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, एक्सक्यूटिव साहब आए हैं, हम उनको लेकर आए हैं, पूरा टीम के साथ आए हैं कि जितना अच्छा से अच्छा, जितना जल्दी से काम हो यहाँ, ताकि ये रोड बचे, रोड बचेगा तो घर बचेगा, कब्रिस्तान भी बचेगा। अगर रोड चले गया तो कुछ नहीं बचेगा, करोड़ों रुपया का पुल बना हुआ है वो बेकार हो जाएगा। अभी क्या स्थिति है यहाँ? अभी स्थिति बहुत नाजुक दौर पर है, देख रहे हैं आप, पूरे कट गया, रोड सट गया पूरा। अच्छा, ये सूचना मिले कि यहाँ के लोग जो है जनप्रतिनिधि काफी आक्रोश हैं, कोई देखने नहीं आता है? जी देखिए सर, हम तो पूरा लगे हुए हैं कि मेरे हम पहले पिछले टर्म जिला परिषद गए, वो क्या किए नहीं किए वो हमको मालूम नहीं। हम अभी 4 साल और रहेंगे, हम चाहते हैं कि मेरे रहते हुए ये भिकमपुर में पंडाल हो जाए और पिचिंग बोल्डर हो जाए। हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा काम हो, पब्लिक का भलाई हो, यही मेरा तमन्ना है। आपके साथ कौन कौन आए हैं यहाँ? मेरे साथ आए हैं इंजीनियर साहब आए हैं, जिला परिषद आए हैं, प्रखंड अध्यक्ष आए हैं, पूरे टीम हम लोग आए हैं सर्वेक्षण करने के लिए। हम चाहते हैं यहाँ से जितना अच्छा, और गांव जो है नदी में समा गए, इस पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार, जिला परिषद प्रतिनिधि। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।